नमस्कार, आदाब। भिवंडी शहर में नशे का कारोबार देखते हुए भिवंडी पुलिस भी बड़ी तेजी से काम कर रही है। आज भिवंडी शहर के क्राइम ब्रांच यूनिट 2 में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया और भिवंडी शहर के फातिमा नगर क्षेत्र में रहने वाले एक व्यक्ति को क्राइम ब्रांच ने पत्रकारों के सामने किया और करीब करीब 75 किलो गांजा और लाखों में कैश, साथ ही एक मोबाइल भी पकड़ा गया इस आरोपी के पास से। बता दें कि भिवंडी शहर में दिन प्रतिदिन नशे का कारोबार बढ़ता चला जा रहा है। हालांकि पुलिस अपने तौर पर भरपूर कार्रवाई कर रही है, उसके बावजूद भिवंडी शहर में नशे का कारोबार थमने को नाम नहीं ले रहा है। आइए देखते हैं भिवंडी क्राइम ब्रांच यूनिट 2 के नवनियुक्त सचिन गायकवाड़, जो वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक हैं क्राइम ब्रांच के, उन्होंने पत्रकारों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा। मैं खान फखर आलम। आज भिवंडी क्राइम ब्रांच यूनिट 2 के कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया और 75 किलो गांजा और लाखों रुपए कैश जिस आरोपी के यहां से पकड़ा गया उसे पत्रकारों के सामने लाया गया। काल गुन्हे शाखा भिवंडी 2 यांना एक बातमी मिळाली होती की एक फातिमानगर शांतीनगर पोलिसांच्या अंतर्गत फातिमानगर नावाचं ठिकाण आहे, त्या ठिकाणी एक किसम व्यावसायिक उपयोग करतात, विक्री करतात गांजा मोठ्या प्रमाणामध्ये साठा करून ठेवले, अशी आपल्या बातमी मिळाल्यानंतर भिवंडी गुन्हे शाखेचे युनिट 2 यांनी अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी अच्छा व्यवस्थित रेड केली तिथे। तसं NDPS ॲक्टनुसार जे ज्या तरतुदी आहेत त्यानुसार तरतुदीनुसार व्यवस्थित पालन केलं आणि त्याने रेड केली। तर तिथे एक इसम, त्याचं नाव आहे कमल हसन अन्सारी, वय 34 आहे। त्याच्या घरामध्ये आम्हाला सुमारे 75 किलोचा गांजा, एक 35 पॅकेट्स असे मोठे मिळालेले, त्याची एकूण बाजार वापरवण्याची किंमत 14,92,000, बरोबर 14,92,000 रुपये। त्याच्या घरामध्ये अजून एक 1,37,000 रुपयाचे रोख कॅश मिळालेले, एक मोबाईल मिळालेला आहे, तो आम्ही आता जप्त केलेला आहे आणि शांतीनगर पोलिसांमध्ये त्याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे, त्याला अटक केलेली आहे। आता ह्या रॅकेटमध्ये अजून त्याच्या माल कुठनं आणला आहे, कोणाला देणार आहे, त्या संदर्भामध्ये आम्ही तपासादरम्यान आम्ही कारवाई करून ते रॅकेट पूर्णपणे बस करण्याचा प्रयत्न करू। सर, शांतीनगर हातमे ये आदमी कितने सालों से गांजे का धंधा कर रहा था? सर जरा हिंदी में बोलिए, हिंदी वाले सर। हिस्ट्री अजून आम्ही काही हे नाही केलेली, परंतु एक थोडं तो तपासाचा भाग आहे, तो काही दिवस काही वेळासाठी राहू द्या, नंतर तुम्हाला आम्ही डिटेलमध्ये सांगू। आणि हे संदर्भामध्ये आमचे ठाणे सिटीचे माननीय CP सर, ॲडिशनल CP क्राईम, DCP क्राईम आणि ACP सर यांच्या पूर्ण मार्गदर्शनाखाली युनिट 2 एकदम चांगला टीम वर्क केलेलं आहे, कारवाई केलेली। सर नमस्कार। भिवंडी शहर में नशे का कारोबार दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है और इस कड़ी में भिवंडी पुलिस बराबर काम करते जा रही है, उसके बावजूद नशे का ये कारोबार रुकने का नाम नहीं ले रहा है और बार बार कहीं ना कहीं आरोपी पकड़े जा रहे हैं। आज भिवंडी शहर के पत्रकारों के साथ एक प्रेस वार्ता में भिवंडी क्राइम ब्रांच यूनिट 2 के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक सचिन गायकवाड़ ने पत्रकारों के सामने एक आरोपी हाजिर किया। ये आरोपी भिवंडी शहर के फातिमा नगर क्षेत्र का रहने वाला है और इसके पास से करीब 75 किलो गांजा, लाखों में कैश और एक मोबाइल पकड़ा गया है। इस संबंध में क्राइम ब्रांच यूनिट की पूरी टीम अपना काम आगे कर रही है।